हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आनंद नेगी, देवभूमि उत्तराखंड से, और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आनंद नेगी ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज करते हैं ब्लॉग्स की शुरुआत। सुबह के बजे हुए हैं 9, और आज का ब्लॉग कुछ इस तरीके से है। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। कल का काम तो पूरा दिन बारिश की भेंट चढ़ गया, तो इसका कल का काम हमारा बाहर हो नहीं पाया। कल हमने अंदर कमरों में प्लास्टर किया है, और आज क्योंकि एकदम खिलखिलाती हुई धूप है, इसलिए आज हम फिर बाहर प्लास्टर कर रहे हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, अभी ये ऊपर जो है मसाला बन रहा है ऊपर के प्लास्टर के लिए, और मैं अभी हूँ तीसरी मंजिल पे। ये आप देख सकते हैं, ये तीसरी मंजिल पे आ रखा हूँ मैं। चिलचिलाती हुई धूप भी लगी हुई है। ये रही दोस्तों तीसरी मंजिल हमारी। ये पैराफिट इसकी हो चुकी है, सेफ्टी वॉल जिसे कहते हैं, और इधर से थोड़ा और बाकी है, और इधर से आज शाम तक करेंगे। फिलहाल तो प्राथमिकता ये रहेगी कि हमें बाहर पहले प्लास्टर करना है, क्योंकि पता नहीं देवराज जी कब बरस जाएं। और ये हवाई जहाज़ भी आ चुका है। ये भी अपने निश्चित समय पर आ जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हो रहा है तीसरी मंजिल का आज प्लास्टर यहाँ से। और मुझे तो डर भी लग रहा है। ये मिस्त्री जी हैं, आपको हाय दे रहे हैं। टाटा। और ये अपने बहन मिस्त्री हैं, कलवा जी। बाय। ला ला ला। और ये हो रखा आज ये दोस्तों तीसरी मंजिल, और वो उस मंजिल का उस तरफ का उस दिन हो गया था परसों, वो जो आपको दिख रहा है अभी इस तरीके से। और ये यहाँ से अब ऊपर से करते हुए नीचे को निकलेंगे। अब जैसे ये, क्योंकि मैं आपको ऊपर तीसरी मंजिल के पैराफिट से शूट करके दिखा रहा हूँ, इसलिए अब मैं नीचे जाऊँगा, फिर वहाँ से ठीक से दिखाऊँगा। ये अभी ऊपर के लिए सीढ़ी नहीं बनाई, इसलिए ये सीढ़ी लगा रखी है ऐसे। ये इस एंगल से लगा है ऐसा, ऐसे लगे हैं मिस्त्री लोग काम पे। ये डोगरा है, लगा है फिर भी काम पे। ये अभी तीसरी मंजिल का लेंटर खुला नहीं है, आज 15वां दिन है। बस 3-4 दिन के अंदर, 4-5 दिन के अंदर खुल जाएगा। दोस्तों, ये चल रहा है अंदर का प्लास्टर, और ये हैं मिस्त्री साहब, उस्ताद जी, ये इनके साथ हेल्पर हैं। और जैसे कि मैंने आपको अभी बाहर दिखाया है, बाहर क्योंकि मिस्त्री और हेल्पर दोनों बढ़ा दिए गए हैं, तो दो मिस्त्री और दो हेल्पर बाहर लगे हैं, और एक मिस्त्री एक हेल्पर अंदर लगा रहा है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये यहाँ प्लास्टर करेंगे अब। ये हमारा ड्राइंग रूम, और अंदर इन लोगों ने कर दिया है, मैं आपको दिखा के चलता हूँ। ये है बाथरूम, इसमें प्लास्टर कंप्लीट हो गया। ये जो दरारें दिख रही हैं, टाइल लगाने के लिए छोड़ा हुआ है। ये देखिए, ये है रूम नंबर 1, ये भी कंप्लीट। ऊपर छत है, छत पे होगी POP। और ये है अलमारी, इसको भी आज फिनिशिंग टच दे देंगे। बाकी प्लास्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है इसका। ये देखिए, और ये है दोस्तों रूम नंबर 2, इसका भी प्लास्टर कंप्लीट। ये अलमारी है, बस ये भी थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। बांदी पैड यहाँ पे भी, ये इसका भी प्लास्टर कंप्लीट है। ये बाथरूम नंबर 2, ये यहाँ भी कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, ताजी एक को फाइनली कर दो ना एक बार, एक रूम को ना, क्योंकि फाइनल करने से ऐसा होगा कि दोबारा पैर नहीं बांधने पड़ेंगे, वो नहीं करेंगे। हाँ, ठीक ठीक ठीक
ये लोग अंदर का प्लास्टर कर रहे हैं क्योंकि धूप आज ठीक ठाक खिली हुई है, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए। इसका भी पता नहीं है कि बारिश कब हो जाए और बहुत तेज़। यहाँ पे दोस्तों बारिश इस तरीके से होती है, जो होती है तो बहुत ही तेज़ धन 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 करके। तो उसके लिए हमें पहले से बरसाती तिरपाल लेकर के तैयार रहना होता है, पता नहीं कब होए। हल्की फुल्की बारिश तो शायद यहाँ होती ही नहीं है, बहुत ही तेज़ होती है। अब मैं आया हूँ नीचे, ये देखिए आप इस तरीके से, ये एक ही दिन का काम है, परसों का ठीक ठाक हो रखा है, तसल्ली है मुझे। और ये जो है आज ऊपर का, ये तीसरी मंजिल से नीचे को आ रहे हैं उस्ताद लोग। ये जो पहला पैराफिट करके दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे, तीसरे पे आ जाएंगे। मुझे लगता है कि आज काम सही समय से चालू हो गया और बारिश भी नहीं है, धूप है ठीक ठाक, तो इस यहाँ तक इस पोर्शन को ये आज कंप्लीट कर देंगे। जैसे ये इस लेवल पर आ जाएगा, उसके बाद डाउन लेवल कल तीन मिस्त्री और तीन हेल्पर बाहर लग जाएंगे। तो मेरा जो टारगेट है कल पूरा होने का है इसका। तो देखिए दोस्तों, शाम को बताता हूँ मैं फिर कितना हुआ आज। ये देखिए ऊपर से तो मेरी आँखें रेंग रही इनको देख के, नीचे से तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन 40 फुट की हाइट पे वास्तव में काफ़ी टफ लग रहा है। ये लोग तो कर लेते हैं, इनका ये काम है तो इन्हें मालूम है कैसे करना है। मुझे इनको देख के डर लगता है। ये आया आप ज़मीन, ये देखिए ये हो चुका है और ये अब हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए।